नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे रतन जोत के फायदों के बारे में। आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो हमारे शरीर को बेहतर बनाने में मददगार होती हैं। ये जड़ी बूटियां हमारे शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाती हैं, जिससे हमारी बाहरी सुंदरता और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि होती है। ऐसी ही एक जड़ी बूटी है रतन जोत। अधिकतर कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में प्रयोग होने वाली रतन जोत का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आचार्य श्री बालकृष्ण जी के अनुसार जिनको कब्ज की शिकायत है या फिर पेट से संबंधित कोई अन्य समस्या है, उनके लिए रतन जोत बेहद ही लाभकारी है। ऐसे में रतन जोत के एक बीज को ले फिर चबा चबा कर इसका सेवन करें। ऐसा करने से पेट साफ होगा और पेट संबंधी अन्य परेशानियों में भी लाभ मिलेगा। चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए रतन जोत का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। ऐसे में करना बस इतना है कि रतन जोत का तेल लें, फिर इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। आप चाहें तो इसे पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। इससे भयानक खुजली और चर्म रोग में जल्द ही आराम मिलेगा। आचार्य जी बताते हैं कि रतन जोत की जड़ रक्त शोधक है, जो शरीर के विजातीय तत्वों को निकालती है। रक्त विकारों में रतन जोत का प्रयोग बेहद लाभप्रद है। इसके लिए नीम की पत्तियां, रतन जोत की जड़ और खैर यानी कत्था की लकड़ी को ले, इन सभी को अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें, फिर इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम नियमित सेवन करें। ऐसा करने से रक्त संबंधी परेशानियों में आराम मिलेगा, साथ ही चर्म रोग में भी काफी लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, रतन जोत वमन कारक है, इसलिए इसका प्रयोग कम मात्रा में ही करें। जिनको भयानक बुखार हो या रुक रुक कर बुखार आ रहा हो, उनके लिए रतन जोत बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए करना बस इतना है कि रतन जोत की जड़ को पानी में उबालकर नियमित रूप से इसका सेवन करें। इसके अलावा रतन जोत की जड़ को कूटकर थोड़ा सा रस निकाल लें, फिर इस रस का सेवन करें। ऐसा करने से बुखार में जल्द ही आराम मिलेगा। जिन लोगों को दांतों की समस्या है, उनके लिए रतन जोत का प्रयोग बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए रतन जोत की टहनी को तोड़कर मंजन करें। ऐसा करने से दांत और मसूड़े मजबूत होंगे और दांतों की अन्य समस्या में भी लाभ मिलेगा। आचार्य जी बताते हैं कि रतन जोत का प्रयोग पशुओं के लिए भी किया जा सकता है। जिन पशुओं की आंतें उलझ गई हैं या पेट में अफारी की समस्या है, उनके लिए रतन जोत बहुत ही गुणकारी है। इसके लिए रतन जोत के 8 से 10 बीजों को रोटी में लपेटकर पशुओं को खिलाएं। इससे उनका पेट साफ होगा, पेट का अफारा दूर होगा और कब्ज और अपच की परेशानी में भी आराम मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।